ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म का नाम, ऋतिक रोशन ने सुपर हीरो का किरदार निभाया है, अंधे व्यक्ति का किरदार निभाया है। ऋतिक जी के कितने फिल्म हैं, क्या क्या है वो हम नहीं जानते, ऋतिक जी अच्छे एक्टर ये जानते हैं। मैं हूँ आनंद कुमार और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा में देख रहे हैं और आने वाली फिल्म में मुझे ही ऋतिक रोशन के रूप में देखेंगे 12 जुलाई को। आनंद जी, एक हम आपके साथ में एक गेम खेलना चाहते हैं, कंसिडरिंग ऋतिक रोशन आपको प्ले कर रहे हैं जी फिल्म में सुपर 30 में जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप ऋतिक रोशन की फिल्मों को आप कितना जानते हैं। तो कुछ आसान से सवाल है ऋतिक रोशन की फिल्मों से रिलेटेड, उसके हम आपको ऑप्शंस भी बताएंगे जी और हम जानना प्रयास करेंगे, प्रयास कर। हालांकि फिल्म में मेरा उतना नॉलेज नहीं, मैथमेटिक्स का साल होता तो जवाब देते, फिर भी क्योंकि ऋतिक जी के कितने फिल्म हैं, क्या क्या है वो हम नहीं जानते, ऋतिक जी अच्छे एक्टर ये जानते हैं। आई थिंक पूछिए, आसान सवाल है, ऑप्शंस भी मैं आपको दूंगा जी और आई थिंक मेरे ख्याल से प्रयास करेंगे। सो हाउ वेल डज आनंद कुमार नो ऋतिक रोशन, पहला सवाल है आपसे कि ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म का नाम अगर आप मुझे बताएं, मैं आपको ऑप्शंस बताना चाहूंगा। कोई मिल गया, कहो ना प्यार है, मिशन कश्मीर, फिजा। एक और चांस लेना चाहेंगे आप? नहीं लेना चाहेंगे। कोई मिल गया, कहो ना प्यार है, मिशन कश्मीर, फिजा। नहीं बता सकते। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। एक ऐसी फिल्म का नाम बताएं जिसमें ऋतिक रोशन ने एक चोर की भूमिका निभाई है। अच्छा, लक्ष्य, धूम 2, मिशन कश्मीर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो देखा उसमें नहीं है, अंदाज पर बोल सकते धूम 2। बिल्कुल सही आपका अंदाज है, दो में से एक सही बता चुके हैं अब तक। आनंद जी, ऐसी फिल्म का नाम बताएं जिसमें ऋतिक रोशन ने एक अंधे व्यक्ति का किरदार निभाया है। कोई मिल गया, गुजारिश, काबिल, लक्ष्य। काबिल देखी है, अच्छी लगी फिल्म, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तीन में से दो सही बता चुके हैं। एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिसमें ऋतिक रोशन ने सुपर हीरो का किरदार निभाया है। फिल्मों के ऑप्शंस में आपको दे रहा हूँ, रावण, क्रिश, रोबो, कोई मिल गया। क्रिश, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्कोर राइट नाउ। एक ऐसी फिल्म का नाम बताएं जिसमें ऋतिक रोशन ने एक मुगल बादशाह का रोल निभाया है। ऑप्शंस में आपको बताना चाहूंगा, जोधा अकबर, मुगले आजम, बादशाह, शहनशाह। जोधा अकबर जी। सही जवाब, दैट इज एक्सलेंट। ऐसी फिल्म का प्लीज नाम बताएं जिसमें ऋतिक रोशन ने एक इंडियन आर्मी के जवान की भूमिका निभाई है। क्रिश, लक्ष्य, काइट्स, बैंग बैंग। लक्ष्य। बिल्कुल सही जवाब बच्चन साहब की बैरिटोन में। एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जो ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन की एक रीमेक में काम किया है। मैं ऑप्शंस आपको बताऊंगा, डॉन, अग्निपथ, देवदास, काबिल। अग्निपथ बहुत ही बेहतरीन स्कोर के साथ में पास हो चुके हैं, एक्सीलेंट डिस्टिंक्शन के साथ में पास हो चुके हैं। मैं हूं आनंद कुमार और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा में देख रहे हैं और आने वाली फिल्म में मुझे ही ऋतिक रोशन के रूप में देखेंगे 12 जुलाई को।